क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बनने की खुशी के साथ साथ कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताएंगे जिससे कई नई नई माएँ जूझ रही हैं। ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये समस्या जितनी आम है उतनी ही गंभीर भी हो सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, इस बारे में बताएंगी जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजाता अग्रवाल। एलांटिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल साउथ दिल्ली के नंबर 1 प्राइवेट हॉस्पिटलों में से एक है और यहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजाता अग्रवाल ने हमें बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन आखिर क्या है। डॉक्टर सुजाता, जो लखनऊ के KGMC से MBBS और MD की डिग्री हासिल कर चुकी हैं, कहती हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जो डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को प्रभावित करती हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुजाता अग्रवाल है और मैं साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने KGMC लखनऊ से MBBS और MD गायनी किया है। उसके अलावा मैंने लेप्रोस्कोपी में फेलोशिप भी की है, अल्ट्रासाउंड में भी डिप्लोमा किया हुआ है। पोस्टपार्टम माने डिलीवरी के बाद, ऑफकोर्स महिलाओं में ही होगी है। इसमें बच्चा पैदा होने के बाद में पेशेंट एकदम से डिप्रेस हो जाती है, बहुत लो फील करती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। डॉक्टर सुजाता के अनुसार पोस्टपार्टम डिप्रेशन उन महिलाओं में अधिक होने की संभावना है जिनके पास पहले से डिप्रेशन का इतिहास है या जिनके परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है। हार्मोनल परिवर्तन भी इस समस्या का बड़ा कारण हो सकता है। उन लोगों में ज़्यादा प्रोन है जिनको प्रीवियस डिप्रेशन हो चुका है या फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन हो, नंबर 1। नंबर 2, कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, वो बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर पा रही है, पर उसको बार बार फीड कराना है, उसको बच्चे की केयर करनी है, वो नहीं कर पा रही है, उसकी फिजिकल स्टेमिना उतना नहीं है, तो उसको लगता है कि ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है, उन लोगों में डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा, बेबी के सेक्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में या फिर जिनके ऑलरेडी फीमेल चाइल्ड हो, जिसको फीमेल ही हो गई हो दूसरी या तीसरी, तो उन लोगों को भी हो सकता है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ख़राब है। यूजली ये 6 to 10 weeks में ख़त्म हो जाता है, 2 से 3 महीने में, और कभी कभी इसमें एंट्री किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा के कुछ ड्रग्स भी देनी पड़ती हैं। 2-3 महीने पेशेंट ड्रग खाती है, फिर वो स्लोली स्लोली टेपर ऑफ हो जाती है और बाद में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर सुजाता बताती हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षणों में शामिल है जैसे बिना किसी कारण के चिड़चिड़ापन और गुस्सा, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, गर्भावस्था के बाद भी लगातार वजन बढ़ना, थकान महसूस होना और आराम करने के बाद भी नींद न आना, पल पर मूड बदलना और बिना किसी बात के रोना, अपने बच्चे की देखभाल में दिलचस्पी न लेना। ये लक्षण माँ बनने के 2-3 महीने बाद दिख सकते हैं और अगर हालत गंभीर हो तो साइकेट्रिस्ट की मदद से दवा भी लेनी पड़ सकती है। पेशेंट बहुत ही हंसेगी नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेगी, डल सी रहेगी और बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, खाना पीना पे भी अपना ध्यान नहीं रखेगी, बच्चे को संभालने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। यही सिम्टम्स होते हैं इसका, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि BP हाई है या कुछ, इट्स मोर ऑफ अ क्लिनिकल सिम्टम्स। डॉक्टर सुजाता का कहना है कि सही काउंसलिंग और दवाइयों से इस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार का सपोर्ट बेहद जरूरी है। परिवार वालों को माँ का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, हेल्दी डाइट देनी चाहिए और प्रॉपर बेड रेस्ट देना चाहिए। बच्चों को संभालने में माँ की मदद करें और अगर उन्हें दर्द होता है तो पेन किलर दें। काउंसलिंग, पेशेंट को खुश करना, कोशिश करो खुश करो, सपोज उसको हेल्दी डाइट दो, उसकी हेल्प करो बच्चा संभालने में, उसको एडिक्वेट रेस्ट दो, पेन है तो पेन किलर्स दो और उसको उसकी काउंसलिंग करो कि जो भी बेबी है तुम्हारा है, दैट वे इट हेल्प्स। डॉक्टर सुजाता ने हमें बताया कि उनकी खुद की यह सलाह क्यों महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार रिश्तों की अहमियत तब समझ में आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही माताओं को हमें समझाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। लोकल 18 के लिए दिल्ली से आकांक्षा दीक्षित की रिपोर्ट।